नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पॉट। दोस्तों आप में से काफ़ी लोग ऑटो लाइकर यूज़ करते होंगे। अब भी ऑटो लाइकर आप उनसे लाइक तो पा सकते हैं, लेकिन जब भी आप उसमें आप ऑटो लाइकर में आप लॉगिंग करते हैं, तब लॉगिंग करते समय वो आपका आईडी पासवर्ड मांगता है और किसी या फिर नोकिया एसटीसी इन सबसे कनेक्ट होने के लिए बोलता है। जब उसे कनेक्ट कर देते हैं तो जो ये प्रोसेस कुछ ऐसे होता है, अगर आप अपनी फ़ोटो लाइक कराते हैं तो आप बदले में औरों की फ़ोटो भी लाइक करते हैं। मतलब आप नहीं करते वो काम, वो ऑटो लाइकर अपने आप करता है। आपने अपनी आईडी उस ऑटो लाइकर में लॉगिन कर दिया है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो ऑटो लाइकर आपकी आईडी से क्या क्या लाइक कर रहा है। उसमें कुछ इलीगल चीज़ें हो सकती हैं, टेररिस्ट की चीज़ें हो सकती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप इसे प्रैक्टिकली भी आजमा सकते हैं। जैसे कि आप अपनी दो फेक आईडी बना लीजिए, दिन में से आपको एक में अपनी फ़ोटो पर लाइक लाने के लिए ऑटो लाइकर से कनेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद आपको करीबन दो या तीन घंटे का वेट करना है। उसके बाद आप अपनी जो दूसरी आईडी बनाई है उसमें सिर्फ उसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद आप उसमें देख सकते हैं ये जिस जो आपका नाम होगा उससे ये लाइक दे, ये लाइक दे, आप ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपने लाइक करी नहीं है। तो इसी प्रोसेस से ऑटो लाइकर काम करते हैं। और एक और बात, जब आप उस पर लॉगिन करते हैं वो आपकी प्राइवेसी कैंसिल करने के लिए कहता है, उसे पब्लिक करने के लिए कहता है। तो इसी की वजह से कि ताकि आप वो आपकी आईडी से और फोटो लाइक कर सकें, तो ये इसका प्रोसेस है। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ऐसी ही टेक अपडेट देता रहूँगा।